जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और 12 अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। एमपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इंडिया जीके के भी यहां से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यकीन मानिएगा, बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं। आज हम लोग 26वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 25 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप बाकी के पार्ट का भी जरूर रिवीजन कर ले। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में 15-15 क्वेश्चन के पार्ट आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताइए। तो पुस्तक आपकी एग्जाम में जरूर एक मिलेगी आपको किसी ना किसी शिफ्ट में, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप याद रखिएगा, ये पुस्तक बीआर अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दो, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1958 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीन है, बूढ़ी महिला गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, बूढ़ी महिला गांधी के रूप में मातंगिनी हाजरा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब याद रखिएगा, यहां से प्रीति लता वाडेदर जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये बंगाल की पहली महिला शहीद थी। और सरोजनी नायडू से आप याद रखिएगा, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चार है हमारे पास, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल का संबंध आपको याद रखना है, सिपाही विद्रोह 1857। ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा। और बेगम हजरत महल याद रखिएगा, लखनऊ आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह की नेता थी। बेगम हजरत महल का मकबरा एग्जाम में पूछ सकता है, तो नेपाल के काठमांडू में बेगम हजरत महल का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर पांच है हमारे पास, मध्य प्रदेश के किस संस्थान को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीतमपुर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि एग्जाम में पूछ ले भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो फिर आपको चेन्नई याद रखना है। क्वेश्चन नंबर छह की यदि बात की जाए, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित नहीं है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जो भर्तहरि गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। तो आपसे पूछ ले कि फिर भर्तहरि की गुफाएं कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश के ये उज्जैन जिले में पड़ती है। बाकी भीमबेटका गुफाएं, सांची का स्तूप और ब्रगेंद्रनाथ गुफाएं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है हमारे पास, राजघाट बांध किस नदी पर बना है? तो राजघाट बांध आप याद रखिएगा, बेतवा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर दो सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आठ है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो प्यारे साथियों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर वन आपको करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नौ है हमारे पास, विश्व तपेदिक यानी कि टीवी किस दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व टीवी दिवस वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, इंद्राणी रहमान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में विशेषज्ञ नहीं थी? तो इंद्राणी रहमान का संबंध कथक से नहीं था।
ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इनका संबंध कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम से था। अब एग्जाम के अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कहाँ के लोक नृत्य एग्जाम में पूछ सकता है, तो कुचिपुड़ी से आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली आपको याद रखना है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम आप याद रखिएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा क्या था, तो 2011 की जनगणना आप अच्छे से पढ़ ले, यकीन मानेगा एग्जाम के अंदर आपको जनगणना 2011 से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भारत की कुल जनसंख्या याद रखना, कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का हिस्सा 6% था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए हमारी धरोहर योजना तैयार की गई है, तो हमारी धरोहर योजना याद रखिएगा इसका संबंध भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था, आईएमपी लगाइएगा, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 1951, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो प्यारे साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, और भारत के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, याद रखिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत भवन भोपाल शहर में किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भवन याद रखिएगा भोपाल शहर में है और 1982 में इसे स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आपको याद रखना है। भारत भवन से और भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि भारत भवन के वास्तुकार कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया का नाम आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन और इनमें से जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप बाकी के पार्ट को भी जरूर पढ़ ले, 15 क्वेश्चन हर पार्ट में है, तो अब आप समझ जाइएगा कितने क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो सकता है, तो एग्जाम से पहले एक बार सभी पार्ट को जरूर रिवाइज कर ले, और मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें बस, आप लोग मेहनत करते रहें, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।